इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो पावर सप्लाई के बारे में कोई नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने अपनी खुद की 3 पावर सप्लाई फूक रखी है। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप एडिटिंग के लिए सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं तो उसका फाउंडेशन कैसा होना चाहिए। शॉप ओनर बिना ये जाने कि आप किस प्रोफेशन में हैं, क्या करने वाले हैं, आपका बस बजट पूछ के सिस्टम रेडी कर देते हैं, फिर चाहे उसमें लगे कंपोनेंट्स आपके लिए 6 मंथ में ही यूजलेस हो जाएं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, हम में से ज्यादातर लोग जब पहली बार सिस्टम बिल्ड कराते हैं तो ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो हम शॉपकीपर को अपना बजट बताते हैं और वो उस बजट के अकॉर्डिंग हमारे लिए एक सिस्टम बिल्ड कर देता है, बिना ये जाने कि हम किस प्रोफेशन में हैं या हम इस सिस्टम का क्या यूज करने वाले हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने अपने लिए सिस्टम बिल्ड कराया था। उनमें से कई कंपोनेंट तो ऐसे थे जिनमें अभी वारंटी काफी बाकी थी, पर वो मेरे लिए 6 महीने में ही यूजलेस हो गए और उन्हें बेचकर मैं चिल्लर भी इकट्ठा नहीं कर सकता हूँ। जहां तक मैंने देखा है, लोकल शॉप ओनर्स को गेमिंग की फील्ड में कुछ नॉलेज है भी, पर एडिटिंग की फील्ड में मुझे नहीं लगता कि कोई नॉलेज है भी। तो इसलिए अच्छा है कि आप अपना होमवर्क खुद करके जाएं। कंपनी कोई प्रोडक्ट निकालती है तो वो उस फील्ड को देख करके आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट बनाती है जिसे आप परचेस करते हैं, पर अगर आप सिस्टम असेंबल करवा रहे हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए, और इसीलिए मैं यहाँ हूँ आपको ये जानकारी देने के लिए। एक सिस्टम में उसका मेन हार्डवेयर होता है, उसकी स्क्रीन, उसका CPU और कीबोर्ड माउस। तो स्क्रीन के लिए मैंने ये वीडियो बना रखी है, इसे आप देख लीजिएगा, जिसे अगर आप स्क्रीन परचेज कर रहे हैं तो काफी सहूलियत मिल जाएगी। अब बात करते हैं कीबोर्ड और माउस की। तो कीबोर्ड और माउस अपने बजट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, क्योंकि लॉजिटेक का ये गेमिंग कीबोर्ड लेने से पहले मैं अभी तक नॉर्मल कीबोर्ड और माउस से ही काम कर रहा था और वो काफी अच्छा चलते हैं। अब बात कर ली जाए उसके CPU की। हम में से ज्यादातर लोग इस बॉक्स को CPU कहते हैं, तो मैं भी इसे CPU ही कह रहा हूँ, पर उसके अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक मदरबोर्ड, रैम, SSD, ग्राफिक कार्ड, CPU और आपकी पावर सप्लाई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं CPU की। अगर आप प्रीमियर यूजर हैं तो CPU की रिक्वायरमेंट होती है i3 और उससे प्लस। वहीं आप राइजन में जाएंगे तो राइजन 3000 की सीरीज या उससे प्लस। अगर आप दाविंची यूज कर रहे हैं तो उसके लिए रिकमेंडेशन होती है i7 या Ryzen 7 या उससे प्लस। तो मोटा मोटी अगर हम एक मिड रेंज का सिस्टम बना रहे हैं तो i5 लेटेस्ट जनरेशन के साथ जा सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि इंटेल के जितने भी प्रोसेसर आते हैं उसके नाम के आगे एक सफिक्स लगा होता है, FHQM etc, तो इसका भी ध्यान देना जरूरी होता है। फिलहाल ये एक बेसलाइन है, मगर आपको i5 के नीचे नहीं जाना है। अब इस कंपोनेंट में आता है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड आपको CPU के कंपैटिबल ही मिलता है, तो मिड रेंज में इसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पर कुछ कंपनियां मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा, जैसे गीगाबाइट, आसूस और MSI। और एक बात जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपके मदरबोर्ड में NVMe स्लॉट है या नहीं। तो अब तीसरा नंबर है रैम। तो रैम में भी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो भी आपके मदरबोर्ड से कंपेटिबल ही होगी। अगर आप 2600 MHz, 3200 MHz या 5400 MHz की रैम लगाना चाहते हैं तो मदरबोर्ड को जरूर कंसीडर करिएगा, क्योंकि आपके मदरबोर्ड पे जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी रैम भी होगी। हाँ, मगर रैम में एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप 8GB रैम लगा रहे हैं तो ठीक है, पर अगर आप 16GB रैम लगा रहे हैं तो 8+8 की स्टिक मत लगाइएगा, आप सिंगल 16GB की स्टिक लगाइएगा, जिससे आप फ्यूचर में एक और 16GB की स्लॉट लगा सकते हैं। अब जो चौथा कंपोनेंट है वो है SSD। तो SSD से पहले आती थी HDD, पर ज्यादातर लोग अब HDD को प्रेफर नहीं करते हैं, पर अगर आप मिड रेंज का सिस्टम बना रहे हैं तो आप NVMe SSD प्लस HDD दोनों ही लगा सकते हैं। मैंने खुद अपने सिस्टम में HDD लगा रखी है, क्योंकि ये प्राइस कन्वीनियंट होती है और जब आप एडिटिंग कर रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है।
अब जो पांचवा कंपोनेंट है वो है जीपीयू। तो जीपीयू के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। एक किस्सा मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जब मैंने सिस्टम असेंबल कराया था तब शॉप ओनर ने उसमें 2 GB का ग्राफिक कार्ड लगा दिया था, जबकि मैंने उसे बताया भी था कि मैं एडिटिंग का काम कर रहा हूँ, और 6 महीने भी नहीं बीते थे कि वो ग्राफिक कार्ड मेरे लिए यूजलेस हो गया। फिर ग्राफिक कार्ड पर डीप रिसर्च करके मुझे पता चला कि हर एक सॉफ्टवेयर जिसमें हम एडिटिंग कर रहे हैं उसकी एक रिकमेंडेशन होती है कि कौन सा ग्राफिक कार्ड वो सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, जिसमें मेरा कार्ड कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। फिर मुझे अपना ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करना पड़ा। अब हम मेन बात कर लेते हैं जो कोई नहीं कर रहा। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग जब सिस्टम असेंबल करवाते हैं तो सारे कंपोनेंट पे वो ध्यान देते हैं, पर कैबिनेट वो शॉप ओनर्स पे ही छोड़ देते हैं कि आपको जो अच्छा लगे वो लगा दीजिए, जब तक आपकी कोई एक स्पेशल पसंद नहीं है। और ज्यादातर लोकल कैबिनेट्स के साथ उनकी पावर सप्लाई भी आती है, तो ऐसे में अगर आपका कैबिनेट लोकल है तो चल जाएगा, बट अगर आपकी पावर सप्लाई लोकल है तो सिस्टम जल जाएगा। क्योंकि मैंने भी यही किया था और एक लोकल फॉक्सिन का कैबिनेट ले लिया था, उसकी पावर सप्लाई 1 साल में 3 बार फूक चुकी है। हालांकि मुझे अपने जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ा, पर मुझे बार बार उनके सर्विस सेंटर जाके उसे रिप्लेस करा के लाना पड़ता था। फिर इससे तंग आकर के मैंने सर्कल की ये पावर सप्लाई खरीद ली। अब आप अपने सिस्टम में कई सारे कंपोनेंट लगाने वाले हैं जिसको पावर सप्लाई से ही पावर मिलती है, और ग्राफिक कार्ड या पावर कूलर ये भी आपकी पावर सप्लाई से ही पावर खींचते हैं। ऐसे में अगर आपका लोड ज़्यादा है और आपकी पावर सप्लाई कम वोल्टेज की है तब भी ये फूक सकती है। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको रहेगी कि कम से कम 1000 वॉट की पावर सप्लाई इसमें लगाई जाए, पर अगर आप मिड रेंज का सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं तो 650 वॉट या उससे नीचे तो कतई मत जाइएगा। साथ ही आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि आपकी पावर सप्लाई आपको क्या क्या पावर प्रोटेक्शन दे रही है, लाइक OTP, OPP, SCP, OVP, UVP, OCP, etc. जितनी ज़्यादा पावर प्रोटेक्शन होंगी आपकी पावर सप्लाई उतनी ही अच्छी होगी और उतनी ही महंगी भी होगी। तो सर्कल की ये पावर सप्लाई जो 650 वाट की है, साथ ही आपको 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट्स मिल जाता है। इसके इनपुट और आउटपुट की स्पेसिफिकेशन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाई करंट के साथ सिंगल 12 वोल्ट की रियल केबल आपको इसमें मिल जाती है, ताइवान्स कैपेसिटर और हाई क्वालिटी फ्लैट केबल्स और 12 सेंटीमीटर का फैन विथ RGB लाइट्स। साथ ही आपको OVP मीन्स ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, UVP अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, OCP ओवर करेंट प्रोटेक्शन, OPP ओवर पावर प्रोटेक्शन, SCP शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, OTP ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन। तो ये सभी तरह की प्रोटेक्शन आपको देती है और साथ ही आपके सिस्टम का और इसके कंपोनेंट्स का ख्याल रखती है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं आगे भी ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए, और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।